पहले जब मैंने मेरे पास सिल्वर और व्हाइट था, मैंने 1000 रुपए का वो पीस लिया कि ख्वाहिश हुई कि मैं ये वाला लूं, 4000 का जोड़ा। और मुझे लगता था 4000, मेरे पास पैसे नहीं थे तो 4000 बहुत बड़ी रकम थी। पिछले साल ते लेते पकड़ते पकड़ते 8000 से, 8 से ये जंप करता करता 40 तक चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। इसका नाम सदाम है, आप लोग अभी देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। इनका नाम है अंबर मैम, आप लोग अभी भी HSN एंटरटेनमेंट ही देख रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं, आप लोग बात को समझते नहीं है। भाई देखे, हमने लास्ट टाइम लाखों नहीं करोड़ों का सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए, लेकिन आज आपको दिखाएंगे इनका हजारों का सेटअप, लाखों का सेटअप, ये भी लाखों का। अच्छा चलें जी, इस सेटअप को देखते हैं कि लाखों का कैसे है और इसे लाखों कैसे कमाया जा सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अंदर चलते हैं और थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग गेट ओपन करेंगे और बड़े आराम से चले जाएंगे। अरे मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये एक चिड़िया कितने की है? ये अगर आप इसका एक पट्टा लेंगे तो ये 10000 का एक है। और अगर आप ये कितने की, ये बड़ी उड़ रही है, ये 40000 का। मैं एक मिनट पहले कुंडी लगा दूं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता उड़ गया तो मैं, आपने यहाँ पे बंद कर देना, हमें भागने का मौका भी कोई नहीं मिलना। ओके भाई, ये है 40000 रुपए का एक जोड़ा। ये क्या वजह है इसकी 40000 रुपया एक पेयर है? ये फोन जावा की कलोनी है और फोन जावा इस टाइम पाकिस्तान में रेयर न्यूट्रिशन है। बिल्कुल, इसका हर जगह फोन जावा कर रहे हैं, क्या वजह है? इसमें सिल्वर भी है, वाइट भी है, तो ये रेयर है। रेयर होने की वजह से इसकी प्राइस ज्यादा है। कितने जोड़े आपने माशाल्लाह से लगाए हुए फोन जावा के? माशाल्लाह इस टाइम ये 20 जोड़े हैं। तो माउंट नहीं है भाई, मजाक है, कोई माउंट नहीं, छोटी सी रकम है, कौन सा बड़ी बात है। तो ये एक टाइम में कितने बच्चे देती है? ये एक टाइम में 5 से 8 अंडे देती हैं और 5 से 8 अंडे ही उनके बच्चे। इन्फॉर्मेशन से पहले बात पूछना चाहूंगा, ये आपने उससे इन्वेस्ट किया सारा पैसा, बर्ड्स में से, लव बर्ड्स में से अर्न करके लगाया? नहीं, मैंने एक रुपया भी खुद से नहीं लिया, मैंने सारा लव बर्ड को सेल करके इधर शिफ्ट किया। जो लव बर्ड से आपने कमाई की वो इधर आ गई? बिल्कुल, टाइम टू टाइम मैं पट्टे ले लेके इसमें ऐड करती गई थी और अब माशाल्लाह ये मैच्योर हो गए, इनकी एज ऐसी हो गई है। बिल्कुल, ये तो बड़े पीस लग रहे हैं, अच्छे खासे बड़े साइज के लग रहे हैं। हाँ। की ब्रीड की तरफ आते हैं कि ये एक टाइम पे कितने अंडे या कितने बच्चे निकालती हैं? ये एक टाइम पे 5 से 8 अंडे देती हैं और 5 से 8 अंडे ही हैच होके बच्चे, सारे हैच हो जाते हैं, सारे हैच होते हैं। और वो एक बच्चा तकरीबन 2 महीने के बाद 10000 का बिकता है। 10000 का बिकता है एक जोड़ा, सिर्फ एक जोड़ा 40000 लगा के हमें 80000 रुपया देता है एक क्लच के अंदर। एक क्लच, और कितने सीजन में क्लच दे देता है? ये तकरीबन 9 क्लच देता है सीजन। हम लोग 4 बच्चों की रेशो लगाते हैं कि एक जोड़ा हमें 4 बच्चे देता है, मोर्टैलिटी भी हो जाती है, क्या भी होता है, खर्चा करके पाइया दाना भी नहीं खाती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ये सारे परिंदों का ये दाना इन्होंने रखा हुआ है। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर कब तक और कहाँ तक है, मिनिमम कहाँ पे आ जाएगा? फ्यूचर की बात नहीं है, 2 साल पहले जब मैंने, मेरे पास सिल्वर और व्हाइट था, मैंने 1000 रुपए का वो पीस लिया, ख्वाहिश हुई कि मैं ये वाला लूं, 4000 का जोड़ा। और मुझे लगता था 4000, मेरे पास पैसे नहीं थे तो 4000 बहुत बड़ी रकम थी। पिछले साल लेते पकड़ते पकड़ते 8000 से, 8 से ये जंप करता करता 40 तक चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब है कि ये भी ऊपर भाई बात सुनो, बड़े से बड़ा ब्रीडर भी है ना, उसके बाद एक टाइम पे 4000 भी उसको ज्यादा लगता है। हमारे सामने एक मिसाल है, देखिये इन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, मतलब हजारों में स्टार्ट किया था, लाखों में गेम चली गई है, तो करोड़ों में चली जाती है। बीमारी कौन कौन सी आती है, आपको किस चीज से परेशानी होती है इसमें? चला जावा एक ऐसी चीज है कि ये शदीद गर्मी में बहुत अच्छी ब्रीड करती है। ये अगस्त का महीना चल रहा है और इसके ये कुछ लगे हुए नेस्टिंग हुई है, इसकी नेस्टिंग हुई भी है, गोल हो गई है नेस्टिंग भी। और इसने सर्दी तक, थ्रू आउट सर्दी तक सर्वाइव करना है, कर रही है, ये ब्रीड कर रही है। बेचने में तुमका मसला आता है आपको? बेचने में बस ये मसला आता है कि डिमांड ज्यादा है काम में, तो क्या लोग आके ये पेड़ मांगते हैं आपसे कि ये हमें दे दो? इस टाइम जो सबसे ज्यादा लबड़ के बाद जो दूसरी हॉट न्यूट्रिशन है वो जावा है, फंड नहीं पूरी हो रही, ये डिमांड पूरी नहीं हो रही, नहीं हो रही। आज तक मैंने इसका एड नहीं लगवाया कि लोगों ने इसकी ना एडवांस बुकिंग की हुई। तो लोगों को पता कैसे चलता है कि ये आपके पास फोन जावा पड़ी है, आपके पास लबड़ ये पड़ा है? ये लास्ट आप जैसे एक भाई आए थे, इंटरव्यू किया था यूट्यूब पे, वो बस वही वायरल हुआ और उसके बाद जैसे दरवाजे तोड़ के कस्टमर है इसका, सिर्फ एक वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो। सही है, उससे पहले लोगों को पता था आपके पास पड़ी है? नहीं, इससे पहले बिल्कुल नहीं पता। भाई बात को समझो, हम लोग वीडियो शूट करते हैं तभी जाके आगे दोस्तों को पता चलता है आपके घर में पड़ा क्या हुआ। अब आप यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का माल डाल दो किसी को, पता ही नहीं है, कोई लेने नहीं आएगा, किसी को क्या पता कि इनके पास क्या पड़ा होगा। इसलिए जरूरी है आप लोगों का सोशल मीडिया का सहारा लेना। बिल्कुल, हम लोग आप लोग अगर हमारी खिदमत के लिए ना हाजिर हो तो हमें तो कोई जानता ही नहीं है इतनी ना। अच्छा, जावाद का तो ओके हो गया काम, थोड़ा सा इस तरफ भी आते, इसके बारे में क्या कोई वर्किंग करनी है या क्या सीन है? किसके बारे में? ये डब वगैरह रखी है, ये ब्लू डब है,
एक्चुअली मैंने स्टार्टअप जो था ना वो गोल्डियन से किया था। ठीक है, गोल्डियन ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? बहुत, मेरा जो अपलिफ्ट था वो गोल्डियन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो फिर टाइम टू टाइम बहुत जरा ज्यादा उस पर मेहनत ज्यादा, ये कि उसका दाना पानी करना था मुश्किल हो। गोल्डियन को पेयर बाय पेयर रखते हैं या कलोनी में? पेयर बाय पेयर, पेयर बाय पेयर। लेकिन जो जावा है ये हमारी कलोनी में चलती है, कलोनी में बहुत अच्छा। ये पेयर बाय पेयर नहीं चलती? नहीं, पेयर बाय पेयर चलती है लेकिन थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स उसका उतना अच्छा नहीं आता जितना कलोनी में आता है। क्या ये पेड़ डर के रहते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब किसी ने भी अगर लगानी है तो कम से कम 4 से 5 पेड़ लगाए, इसे कम लगाएगा हाँ। तो उसके लिए मुश्किल होगी, ब्रीड कम आएगी। ब्रीड कम आएगी एक्चुअली, ये इसको फ्लाइंग के लिए ज्यादा अच्छा, ये खुश रहता है। तो क्या जावा को फोस्टर किया जा सकता है इसके अंडों को? मतलब हम लोग ग्रे ले लें और जावा ये वाली ले लें, इसके अंडे फोस्टर करें? लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनका प्रोसीजर बहुत आसान है, 12 दिन में अंडा इंक्यूबेट होता है और 12 दिन में बच्चा सेल्फ होके नीचे आ जाता है। टोटल अंडे ले कितने टाइम में करती है ये? तकरीबन 5 अंडे अगर दिए या 8 दिन में डेली का 1 अंडा आएगा। ये पहला अंडा देता है, बैठ जाती है, बच्चे स्टेप बाय स्टेप निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं? नहीं, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से देंगी उसी तरह से निकलेंगे। मतलब मुर्गी की तरह एक साथ नहीं निकलते? नहीं, एक साथ नहीं निकलते, स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे। और बड़े बच्चे के छोटे बच्चों को मार देते हैं वजन से? नहीं, इनका वो उतना डिफरेंस नहीं आता ना, एक एक दिन का होता है और वो माइनर डिफरेंस होता है। मिनिमम जावा के कुजे का साइज क्या होना चाहिए? मतलब ये एक लगा, मैंने छोटी कुजियां भी देखी है लगी हुई अक्सर, छोटी जो कुजियां होती है ना वो फिंचेस के लिए होती है, उनका बच्चा बहुत टाइनी साइज का होता है। इनके जब बच्चे माशाल्लाह अगर 8 बच्चे होंगे तो वो अच्छे खासे हो जाते हैं, इसलिए इनको जगह खुली मिलनी चाहिए। कितने दिन के अंदर जावा का बच्चा तैयार होकर बाहर आ जाता है? तकरीबन 15 से 20 दिन में। बस 15 से 20 दिन? प्रॉपर उसका प्रोसीजर है, कंप्लीट तैयार होते हैं। उसके बाद दोबारा ब्रीडिंग में कितना टाइम लगाता है? तकरीबन जैसे ही वो बाहर आएगा और खाने पीने को खुद काबिल हो जाएगा, उसके बाद उसकी लेइंग दोबारा आ जाएगी। मतलब कुछ 5-6 महीने का प्रोसीजर है? कम है? नहीं नहीं, 5-6 महीने में तो वो 5-6 दफा में आ जाएगा ना। मतलब कि ये 1-2 महीने के दोबारा ब्रीड में आ जाता है? 1 महीने में एक दफा इसकी ब्रीड लाजमी। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ कि हमारे पास जावा का बच्चा निकला, वो बाहर आ गया, वो दोबारा कितनी देर में तैयार हो जाएगा ब्रीड के लिए बच्चा खुद से? अच्छा, जो जो एक बच्चा है 7 महीने में वो ब्रीड करेगा दोबारा, 7 महीने बाद जाके ब्रीड करेगा, ब्रीड के काबिल हो जाता है। खास बीमारी इसके बारे में बता सकती हैं आप? नहीं, इसके बारे में कोई बीमारी ऐसी नहीं अभी तक आपको कोई बीमारी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने टॉयज वगैरह लगाए हैं, इसका क्या रीजन है? टॉयज बस ऐसे ही मुझे अच्छे लगते हैं। जावा को टॉयज की जरूरत है? नो, बिल्कुल नहीं। और हम लोग जो जू में जाके जावा देखते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने नेस्टिंग करके ट्रीज के अंदर छोड़ी होती है, और बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा नेस्टिंग होती है। एक्स्ट्रा नेस्टिंग होती है कि ये पसंद करती है तिनके उठा के अपना घर, मतलब ये जंगलों में घुस के हाँ नेस्टिंग करती, जितना ज्यादा हम इन्हें उजाड़ देंगे हाँ उतनी ज्यादा ये ब्रीड करेंगी, सेफ फील करेंगी, इतना ज्यादा फील करेंगी। ये अपना खुद नेस्ट बनाना पसंद करती है। ठीक है, मतलब आपको नेस्ट करने की जरूरत नहीं? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? मतलब यहाँ पता आउटसाइड का आपका शेल्टर किस तरह से कंट्रोल करती है? तकरीबन सर्दियों में 28 से 30 होना चाहिए। 28 से 30 हो जाए। गर्मियों में? गर्मियों में तकरीबन, गर्मियों में भी यही है, लेकिन इस टाइम जो बाहर का टेम्परेचर है वो 35 तक है, लेकिन ये कम्प्लीटली अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर 28 से 30 सर्दियों में आप कैसे मेंटेन करती हैं? इसके इसको पॉलिथीन बैग के साथ और अंदर एक हीटर छोटा वो लग जाएगा, बल्ब लग जाएगा, हीटर बल्ब जो वो लगते हैं ब्लैक वाला सिरामिक्स का जो होता है। ठीक है, तो वो इनफ होते हैं इनके लिए। आप लोग लवबर्ड्स के बारे में सीखना चाहते हैं, किस तरह से म्यूटेशन को रखा जाता है, किस तरह से इनकी ब्रीड करवाई जाती है, जावा को किस तरह रखा जाता है, किस तरह से ब्रीड करवाई जाती है, तो आप इनके साथ रابطہ कर सकते हैं। आपसे रابطہ किस तरह से होगा? वाया SMS हो जाएगा, व्हाट्सएप पे हो जाएगा। मेरा फोन नंबर है 0300-652-4463। खवातीन के लिए मैसेज मोटिवेट करें जरा थोड़ा सा। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि इस महंगाई के दौर में सिर्फ आप घर के एक सरबराह पे इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो मैं ये कहती हूँ कि अब हम सबका फर्ज है कि हम सब मेहनत करें और सब मिलकर कमाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे मिलकर। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आएंगे आपके पास। इस बार न्यू सेटअप ये देखा है, ये वाला देखा है, अगली बार एक और नया सेटअप आपका देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा आप हमें, अल्लाह ताला आपको भी मजीद की दें। आमीन आमीन।